नमस्कार, एस्ट्रो टुडे एकेडमी के मासिक राशिफल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे सिंह राशि में जन्मे लोगों के लिए साल 2023 में जून का महीना कैसा रहने वाला है, और ये भी जानेंगे कि कैसे आप कुछ आसान से उपाय करके इसे और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सिंह राशि में जन्मे लोगों के करियर की बात करें तो आपके राशि स्वामी सूर्य 15 जून तक आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे। 10th हाउस में सूर्य का गोचर अच्छा माना जाता है। इस टाइम पीरियड में राजनीति से जुड़े कार्य करने वाले लोगों के लिए समय अच्छे फल दिलाने वाला रहेगा। गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो सैलरी में इंक्रीमेंट या प्रमोशन के योग बनेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए समय सफलता दिलाने वाला रहेगा। सिंह राशि के जो लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए भी समय बेहतर परिणाम देने वाला रहेगा। 15 जून को सूर्य आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव में गोचर करेंगे, तो सूर्य से मिलने वाले फलों में वृद्धि होगी। काम कारोबार में भाग्य का भरपूर साथ मिलने से लाभ होगा। इच्छाओं की पूर्ति के योग बनेंगे। इनकम के नए सोर्स बनने से भी लाभ होगा। इस टाइम पीरियड में आप अपने कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि महसूस करेंगे। कर्म भाव में बुध का गोचर भी करियर व्यापार की दृष्टि से अच्छे फल दिलाने वाला रहेगा। पार्टनरशिप बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। दैनिक आय में भी वृद्धि होगी। इस टाइम पीरियड में आपके यश मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। सिंह राशि में जन्मे लोगों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके धन भाव और लाभ भाव के स्वामी बुध 9th हाउस यानी भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और 7 जून तक भाग्य भाव में ही रहेंगे। इस टाइम पीरियड में आपको अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनेगी। 24 जून को जब बुध अपनी ही राशि मिथुन में गोचर करेंगे तो धन लाभ कराने का काम करेंगे। इस टाइम पीरियड में आप वाणी में सहजता महसूस करेंगे। कुटुंब परिवार में भी संबंधों में मजबूती आएगी। इसके अलावा ससुराल पक्ष से भी लाभ की संभावना बन सकती है। 12th हाउस में शुक्र का गोचर भौतिक सुख सुविधाओं में धन खर्च बढ़ाने वाला रहेगा। इस टाइम पीरियड में यात्राओं के योग बनेंगे। आप लग्जरीज और घूमने फिरने पर धन खर्च कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आप फॉरेन संबंधी कोई भी निर्णय ले सकते हैं। आपके लिए अच्छे फल दिलाने वाला रहेगा। आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, नौकरी व्यापार के लिए जाना चाहते हैं या फॉरेन सेटल होना चाहते हैं तो यह महीना अच्छे संकेत दे रहा है। कोशिश जरूर करें। बस इस बात का ध्यान रखें कि इस महीने खर्चों में वृद्धि की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। वहीं 12th हाउस में शुक्र के साथ मंगल की युति के चलते घर, वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी निर्णय बहुत सोच विचार कर करें, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना अच्छा रहेगा। एजुकेशन की बात करें तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना अच्छे संकेत दे रहा है। देवगुरु बृहस्पति शिक्षा से जुड़े मामलों में अच्छे रिजल्ट दिलाने वाले रहेंगे। इस टाइम पीरियड में आपको किसी भी तरह का डिसीजन लेते समय सोच विचार कर धैर्य से ही लेना है। लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात करें तो समय अनुकूल है। सिंह राशि में जन्मे लोगों के लिए उपायों की बात करें तो इस पूरा महीना आपको गणेश जी की आराधना जरूर करनी है। डेली गणेश चालीसा का पाठ जरूर करें। आप अपने राशि स्वामी सूर्य के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मंत्र का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप अपने संपूर्ण जीवन का राशिफल जानना चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।